ये कहते हैं कि हमारी भांजी का भाई जो है वो मुर्तद हो गया है, यानी एलानिया वो इस्लाम से बाहर निकल गया, दूसरा मज़हब उसने अख्तियार कर लिया। तो जैसे कि हुक्म शरा था, भांजी को कहा गया कि आप भाई से मेल जोल तर्क करें, तो वो बज़ाहिर कहती है मैंने मेल जोल तर्क कर दिया। अभी जो साइला क्वेश्चन कर रही है, कहती है मुझे नहीं पता कि इसकी भांजी ने अपने, यानी मेरी भांजी ने अपने भाई से कतई ताल्लुक किया है कि नहीं किया, तो हमारा इस लड़की से ताल्लुक रखना कैसा है। देखें, बिल्कुल आप ताल्लुक रख सकते हैं जब तक कि आपको उसके बाकायदा मेल मिलाप के सबूत ना मिलें, क्योंकि हुक्म शरा यही है कि जब कोई इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुर्तद हो जाता है, तो उसको इस्लाम की दावत दी जाए, उसे वापस लाने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाए। लेकिन अगर वो नहीं आता, वो आपकी बात नहीं मानता, तो फिर उससे क़त्अ ताल्लुक़ करना फ़र्ज़ हो जाता है, उसका सोशल बायकॉट करना ज़रूरी है, उससे मेल जोल रखना, उससे बातें करना, उसे खुशी गमी में बुलाना या उसकी खुशी गमी में शिरकत करना सब का सब नाजायज़ हो जाता है। वजह इसकी यह है कि उसके इर्तिदाद के बावजूद अगर आप मेल जोल रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने इस्लाम को कमतर समझा, हकीर समझा, दूसरे मज़हब की तरफ चला गया, आपने परवाह ना की, और फिर ये चीज़ सरायत करेगी आपकी नस्लों के अंदर। वो किसी का मामू होगा, किसी का चचा होगा, किसी का फूफा होगा, दूसरे बच्चे देख देख कर, या अगली नस्लें जो आपकी हैं वो उसको देख कर इस्लाम को समझेंगे, मामूली छोड़ भी दें तो मुर्तद हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चचा ने भी तो किया था, मामू ने भी तो किया था, और इस तरीके से इस्लाम से बाहर लोग निकलेंगे और हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा बैकआउट का हुक्म तो था, लेकिन आपकी जब भांजी ज़बान से कह रही हैं कि मैंने बैकआउट कर दिया, मैं नहीं मिलती हूँ, तो हमें हुस्न ज़न कायम रखना चाहिए जब तक उसके खिलाफ सबूत ना मिले। लिहाजा इस भांजी से मेल जोल रखने में हर्ज नहीं है।